खोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। तुम सच बोल रहे हो गोपाल, हम हिंदू हो या मुसलमान, सबसे बड़ा बात है कि हम इंसान हैं। अगर मना जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जात अलग है, लेकिन भगवान तो एक है ना। हाँ सच बोल रहे हो तुम, सबके भगवान का नाम अलग अलग है, शिव शंकर अल्लाह गॉड सब अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे भगवान तो एक ही है ना। वो सब कुछ भी बोलो, लेकिन हर साल के जैसा इस साल भी हम लोग जगरातन करेंगे। हाँ 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 होगा, जरूर होगा, सिर्फ जगरातन नहीं, इस बार गोपाल सबको लंगर खिलाएगा। हाँ ये क्या, इसमें तो बहुत खर्चा है, इतना पैसा मैं कहाँ से पाऊंगा। नहीं नहीं गोपाल, तुम पिछले साल वादा किए थे कि तुम जगरातन में सबको लंगर अपने खर्चों से खिलाओगे, अब मत पलटो अपने बातों से। हाँ 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 वो तो मुझे याद है, वो तो पिछले साल की बात थी, नए साल के बाद में सब कुछ भूल गया। हाँ समझ गया, पुराना साल गया और पुरानी बातें भी चली गई। अच्छा बहुत अच्छा। क्या बोल रहा है तू? हाँ तू इतना काम धाम करता है फिर भी बोल रहा है कि मैं गरीबों को नहीं खिला पाऊंगा। नहीं खिला पाऊंगा? हाँ हाँ क्यों खिलाएगा तू, मैं तो तेरे ऊपर बोझ बन गई हूँ ना, इसीलिए बैठ बैठ कर खाती हूँ, मैं चली जाऊंगी। ये क्या माँ, आप रोने क्यों लगे हो, चुप हो जाओ मेरे बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है अब, कल ही मैं काशी चली जाऊंगी तीर्थ पे। रुला दिए ना आप माँ जी को, क्या हुआ, माँ जी जो बोली है मानते क्यों नहीं? तुम समझ नहीं रही हो, कुछ दिन पहले मैं एक तलब खरीदा हूँ, पैसे नहीं है। ये लीजिए, इसे गिरवी रख कर कुछ पैसे ले आइए, लेकिन माँ को मत रुलाइए। बहू मेरा पुटली तैयार कर दो। माँ मैं तो अब से मजाक कर रहा था, मैं लंगर बटवाऊंगा। सच में बेटा? हाँ माँ हाँ सच बोल रहा हूँ, अब कैसे नहीं जाओगी ना? नहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन माँ आपकी बात मैं सुन लिया, लंगर बटवाऊंगा, आपको भी मेरा बात मानना होगा, मानिएगा? हाँ मानूंगी। तो मुझे दो लड्डू खिलाइए। लड्डू तो खत्म हो गया है, ठीक है मैं बना दूंगी। लक्ष्मी मैं हरि के घर से घूम कर आता हूँ। क्यों? पैसे लाने। तो कड़ा ले जाइए। अभी रखो, जरूरत होगा तो ले लूंगा। क्यों जी पैसे मिल गए आपको? हाँ हाँ ठीक है। मिश्रा जी आज तुम्हारे वजह से मेरा इतना खर्चा हो गया, पूजा खत्म होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा गोपाल क्या चीज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राधे राधे। अरे गोपाल आओ आओ, पूजा कब से हो रहा है, तुम अभी आ रहे हो, कहाँ थे? हाँ पूरा दिन राज्यसभा में काम करके मैं बहुत थक जाता हूँ, इसीलिए शाम को घर पे आकर आराम करने लगता हूँ। नहीं नहीं भैया तो कुछ और ही है ना गोपाल,
तुम्हारा इतना खर्चा यो हो गया है, इसीलिए दुखी होकर घर पे बैठे रहते हो। छोड़ो, जाने दो, आज मैं रामायण पाठ करूँगा ना। ये क्या, तुम रामायण पाठ करोगे और मैं नहीं आऊंगा? ये हो नहीं सकता। मैं जरूर आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा तो तुम्हें सबक कौन सिखाएगा? रामायण पाठ के समय तुम मेरे सवालों का कोई अगर जवाब दे पाओगे तो लंगर का पूरा खर्चा मैं दूंगा, समझे? सोच लीजिए मिश्रा जी, बाद में अफसोस मत कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। जनक राजा की पुत्री सीता मैया का विवाह करने के लिए जनक राजा बड़ स्वयंवर रखे थे। उस स्वयंवर में ये शर्त रखे थे कि जो भी राजकुमार धनुष को उठा पाएगा उसी राजकुमार से सीता मैया का विवाह किया जाएगा। लेकिन धनुष को कोई नहीं उठा पाया। वहाँ पहुँच गए श्री राम। उन्होंने धनुष को उठाया और सीता मैया ने उन्हें वरमाला पहनाई। रावण सीता हरण कर ले गए, लेकिन सीता मैया को बचाया कौन? अब मैं इस मिश्रा को फंसाऊंगा। मिश्रा जी, ये बताइए, सब कुछ समझ में आया लेकिन एक बात समझ में नहीं आया। क्या? बोलो। सीता मैया को रावण कैसे हरण किए? तुम्हें पता नहीं, हाथ पकड़ कर रथ पे बैठे गए। वो कैसे हो सकता है? जहाँ धनुष रखा हुआ था वहाँ पे सीता मैया रोज धनुष को उठा कर साफ करती थी। जो रावण धनुष को उठा नहीं पाया वो सीता मैया को कैसे उठा कर ले गया, बताइए मिश्रा जी। क्या तुम कहना चाहते हो रामायण में गलत लिखा है? नहीं, गलत नहीं लिखा है, लगता है सच को छुपाया गया है। लगता है वन में उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो जानबूझकर रावण के साथ चली गई। अगर वो नहीं जाना चाहती तो रावण सीता मैया को कैसे ले जाता? सीता मैया चाहती तो रावण को एक थप्पड़ लगा सकती थी और उस एक थप्पड़ से रावण मर जाता। यही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या बोल रहे हो आप लोग? क्यों मिश्रा जी, जवाब है तुम्हारे पास? नहीं 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 है। इसका मतलब तुम सर थार गए और लंगर के खर्च तुम दोगे, मैं नहीं। हाँ, अगर शर्त यही था तो मना ही होगा। गोपाल तुम बहुत चालाक हो। कम चालाक नहीं, ज्यादा चालाक है गोपाल। अरे हटा, चल चल जल्दी चल, मेला देखते देखते पूरा शाम हो गया है, जल्दी चल। अरे बहुत बड़ा भयानक जंगल है, जल्दी चलने तो पार नहीं कर पाएंगे। अरे यार तुम चुपचाप रहो तो, डरने का कोई बात नहीं है। अरे यार मेला में कितना अच्छा अच्छा चीज देखे, क्या देर नहीं हो सकता है, बोलो। अरे भोदुबिया तुमको देर हो रहा है, तुम जा सकते हो, बिना मेला देखे हुए हम नहीं आ सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी जल्दी किया करो। मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या करें? अरे यार मुसीबत तो मुसीबत आ गया, ठीक है चलो घर चलते हैं। अरे यार दोस्ती को तो कहते हैं दोस्ती, कि एक दोस्त का दर्द समझे। अरे अब परे अब सोने के कटोरी में दूध भात ले ले अब। अरे अब परे अब सोने के कटोरी में दूध भात। अरे हजा आसमान को पूरा काला हो गया, अब क्या होगा रे हजा? अरे जब बरसात आ जाएगा तो कहाँ छुपेंगे बरसात में, तुम बोलो ना हजा। चारू चिड़ैया चुनुर मुनुर बोले सीताराम,
एक मुसरा टूट गई। चलो 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 भागते हैं, देखते हैं कितना दूर भाग सकते हैं, दौड़ चलते हैं। अरे भोदू भैया, बारिश तो चालू हो गया है, अब हम लोग क्या करें, कहाँ छुपे? अरे भोदू भैया, जंगल के भीतर घर दिखाई दे रहा है। इस घर के सामने आ गए। अरे हाजा, अब हम दोनों नहीं भीगेंगे, अभी ठिकाना पर आ गए हम दोनों। ठीक है चल अभी अंदर चलो। हाँ, अरे भोदू, वो देख पेड़ पे कितना आम है। हाँ, अरे वो देखो साथ में नीचे में भी कितना आम पड़ा हुआ है, भोदू दिखाई दे रहा है ना। अरे चल चल, सब चल कर आम को उठाते हैं, कितना अच्छा अच्छा आम गिरा है। अरे यार छोड़ छोड़ चल ना, आम पे ज्यादा लालच मत कर, नहीं तो पेड़ वाला आएगा तो हम दोनों को पकड़ कर मारने लगेगा यहीं पे। अरे यार, तुम दोनों बारिश में ऐसे क्यों भींग रहे हो, अंदर आओ। अरे यार, तुम लोगों का पूरा कपड़ा गीला हो गया है, अंदर में आओ, आओ अंदर में, आओ आओ अंदर में आओ। अरे भोदू भैया, देखो देखो कितना अच्छा आदमी है कि हम दोनों को घर में बुला रहे हैं। अरे चल चल, लगता है कुछ खिलाएगा अंदर में हमें। अरे वाह, इसके पहले तुम हमको लाइफ भी बोलता था, अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम राजी नहीं है क्या, अभी बोल रहे कि चलो चल कर वहाँ कुछ खाते हैं वहाँ पे घर में। अरे यार, तुम ये बात बोलकर तुम मुझे क्या बोलना चाहते हो? अरे यार भूख लगा है तो खाने के लिए हमें बुला रहे हैं, तो इसमें डरने क्या बात है, चलो अंदर चलकर खाते हैं। अरे हजा, हम लोग अंदर जा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं लग रहा है। उसका आंख देखकर हमको बहुत डर लग रहा था, जैसे कि मछली का आंख है, माँ कर ली। अरे यार तुम फिर बकबक करने लगा, देखो इधर पेट में चूहा कूद रहा है, तुम अंदर चलता है कि नहीं चलता है, तुम जल्दी बताओ तो पहले भोदू। अरे यार, तुम लोग अंधेरा देख कर डरो मत, क्योंकि लाइट का पैसा जमा नहीं किया था इसीलिए लाइट कट गया है। तुम लोगों को तो बहुत भूख लगा है ना, चलो अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ ना। अरे यार, तुम दोनों के लिए मैंने खाना का बंदोबस्त कर दिया है, आकर खा लो। अरे भोदू भैया, देख रहे हो, खाने के लिए हमें बुला रहे हैं, अगर तुमको नहीं खाना है तो कोई बात नहीं है, अपना प्लेट का खाना हमारे प्लेट में तुम दे देना, हम खा लेंगे और क्या। ये लो, तुम लोगों के लिए गरम गरम स्प्रिंग रोल, ये पहले खा लो, इसके बाद मछली फ्राई करके देंगे। अपना पेड़ का मैं आम दे रहा हूँ तुम दोनों को, खाओ खाओ मन भर के, पेट भर के तुम लोग खा लो। मुझे बहुत भूख लगे है, दद्दू क्या करता है समाज में नहीं आता, ये दोनों को बैठा कर खाना खिला रहा है, ये दोनों लड़का को अगर दद्दू मुझे अगर दे तो मैं खा जाऊंगा। मैं इन दोनों को फ्राई करके भरपेट खा जाऊंगा। अरे भोदू, इतना मत खा मत खा, मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा है कि तुम चादर ओढ़ के तुम सो जाओ और मैं बैठ के सब खा जाऊंगा धीरे धीरे। अरे लालची कहीं का। अरे बाप रे बाप, तुमको क्या हो गया है कि आज तुम इतना खाना ही खाते जा रहे है, खाते जा रहे है। तुम रुको, मैं अभी दादू को देख के आ रहा हूँ कि क्या बना रहे हैं। ठीक है ठीक है, तुम जाके देखो, तब तक मैं यहाँ पे तब तक आराम से चद्दर ओढ़ कर तब तक मैं सो रहा हूँ। अरे दादू, क्या बना रहे हो,
अरे बाप रे बाप, मछली मटन चिकन सब एक साथ ही बना रहे हो क्या? दादू तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। दादू तुम हमसे बोलो ना, दादू क्या कर रहे हो? अरे हागा जल्दी भाग, यहाँ से भाग, दादू पता नहीं क्या पका रहा है। अगर हम पे तेरे को विश्वास नहीं है तो तू जाके अंदर देख के आ हागा, जल्दी आ। अरे यार तुम क्या बकते रहते हो, चलो चल कर हम देखते क्या बात है क्या बात नहीं है, दादू क्या कर रहा है। अरे अरे ये लगता है कि ये लड़का दोनों को समझ गया। हाँ क्या दिखाओ क्या दिखाओ क्या दिखाओ। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, खीर के बोए हाथ निकाल कर आम को तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा है। हमको नहीं खाना है, हमको बचना है, भाग बुद्धू भाग, जल्दी भाग। मैंने तुझे पहले ही मना किया था मगर तूने मेरा बात नहीं माना। अरे राजा ये लोग जो कुछ भी बना कर खिलाया हम लोगों को, ये पेट में जाकर नहीं ना नाचेगा, डांस नहीं ना करेगा। अरे बाप रे बाप, अरे भोदू भैया अब लगता है कि हम लोग की स्प्रिंग रोल बनाकर खाएगा। अरे बाप रे बाप, भाग भोदू भैया भाग, यहाँ से भाग। अरे यार तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो? देखो तुम लोगों के लिए मैंने आम लाया है, मछली भाजा लाया है, स्प्रिंग लाया है, और तुम लोगों को खिलाकर और हम सब मेरा फैमिली जितना है तीन जन मिलकर तुम दोनों को खाएंगे भर पेट। तुम मत भागो मत भागो। तो दरवाजा बंद करके रखा है, अगर उन दोनों के सामने रहता तो नहीं भाग पाते। हम दोनों के दरवाजा अभी खोल दो। दरवाजा खोलो दादू दादू। भोदू भैया वो भूत दादू बहुत अच्छा थे, खाना वाना हम लोग खा कर आते तो बहुत अच्छा होता। अरे तुम चुप चुप रहो, चुप चुप, माथा गरम कर रहे मत मेरा। अरे यार उस आम के बजे तुम राम के नाम लो, राम के। अरे लालची कहीं का, तुम अभी चुप रहो चुप रहो, तुम लालची बहुत ज्यादा है। ठीक बोले हो। राम 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 राम।
महाराज विक्रमादित्य। सुना है आप बहुत विद्वान, परम ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति है, फिर भी आप बेवकूफ जैसा हमको कंधा पर लेकर चले जा रहे हैं। तो सुनिए, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनते सुनते आपका इस रास्ते का कष्ट दूर हो जाएगा। और कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप अगर प्रश्न का सटीक उत्तर समझ कर भी चुप रहे तो आपका सर खंडित होकर बिखर जाएगा, समझे महाराज? और अगर सटीक जवाब मिल गया तो मैं पुनः अपने वृक्ष पर वापस चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं, सुनिए महाराज। बहुत दिन पहले चंपा नदी के तीर पर विजयनगर नाम का एक राज्य था। महाराजा शक्ति सिंह उस राज्य के राजा थे। उनके चार पुत्र थे। प्रथम पुत्र, उसका नाम प्रताप सिंह, जय सिंह, सूर्य सिंह और श्री सिंह था। श्री सिंह जहां दानी था वही तीन भाई जुआरी और शराबी थे। उनका सारा दिन जुए और शराब में ही डूबा रहता था। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, आ जाओ आप लोग, अच्छे समय में आए हैं आप लोग। अभी मंगल आरती ही शुरू होने वाली है। बैठो बैठो यहाँ पर। हम मंगल आरती करने यहाँ नहीं आए हैं। आप 10,000 स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं। ये क्या, इतनी मुद्राएं मैं अब कहाँ से लाऊं? क्या मतलब? उस दिन वार्षिक उत्सव में बहुत सारी मुद्रा तुम्हारे पास जमा हो गई है, सारा धन यहाँ ले आओ। छी 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 छी, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये दान का पैसा है, ये हम आप लोगों को नहीं दे सकते। क्या बोले, नहीं दोगे? ना ना ना, किसी कीमत पर नहीं दूंगा। मरने के बाद भी? तो ठीक है, भगवान के गहने ही हमें उतार कर दीजिए। ये क्या, हम अभी महाराज को ये बात बताने जा रहे हैं, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। सूर्य, भगवान की मूर्ति से सारे गहने उतार कर यहाँ लाओ। ना ना ना, ना ऐसा मत करो, ये पाप है। भगवान बचाए, भगवान बचाए। ना ना ना, ना आ, नहीं। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, चलो यहाँ से। रक्षा करो, रक्षा करो, कोई रक्षा करो मेरी। उठिए उठिए ब्राह्मण देवता, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? ये कैसी दशा हो रखी है आपकी? भगवान के शरीर से सारे गहने प्रताप ले गया, मेरे मना करने के बावजूद नहीं सुना, जबरदस्ती सारे गहने लेकर गए। रुकिए रुकिए, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, दया करके आप कुछ कीजिए। आप परेशान ना होइए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, आप निश्चिंत होकर जाओ। हाँ? क्या बोल रहे हो महामंत्री? कब मनुष्य बनेंगे वो सब? मेरी भी उम्र हो रही है, मैं सोचता था प्रताप के ऊपर राज्य सौंप कर हम निश्चिंत हो जाएंगे, समझ नहीं आ रहा। ना महाराज, प्रताप जैसा जुआड़ी शराबी के ऊपर राज्य भार सौंपना मतलब अपना और राज्य का नाश करने जैसा है। तो फिर आप ही बोलो महामंत्री, हमें क्या करना चाहिए? महाराज,
ये राजकाज का भार आप छोटे युवराज श्री सिंह को दीजिए, वही उपयुक्त है। श्री सिंह को वो कहा है महामंत्री, सुनने में आया है राज्य के पश्चिम क्षेत्र में अभावग्रस्त लोगों के दुख दूर करने गए। तो ठीक है, अभी उनको बुलाने के लिए दूध भेजिए। अच्छा, अभी युवराज प्रताप को सब बात बताना होगा। क्या तुम ठीक से तो सुने हो? हाँ युवराज, हमने ठीक सुना है। अच्छा ये बताओ, श्री सिंह कहाँ है, कुछ सुना उसके बारे में? राज्य के पश्चिम में युवराज। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा, ऐसे भी भैया आप सबसे बड़े हैं, पहले राज्य पर आपका अधिकार है। श्री सिंह गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, आज ही उसको रास्ते से हटा देना होगा। किंतु कैसे? ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक, अब हमारा ये काम तुम संभालोगे। प्रणाम महात्मा, आप हमें बुलाए हैं? हाँ महाराज, आओ बैठो। बोलो ऋषिवर। सुनो, काल और नक्षत्र की गणना के अनुसार तुम पर संकट की आशंका है, इसलिए हम। ऋषिवर, ऋषिवर। क्या बात है चिकू? कोई बड़ी विपत्ति की आशंका है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम में कुछ लोग आए हैं घोड़ा चढ़कर, उनके हाथ में भयंकर अस्त्र हैं। वो श्री सिंह की खोज में है, वो आपको मारने आए हैं। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता? उनमें से एक प्रताप और जय का नाम सुने। अच्छा, वो तो हमारे भाई हैं, वो मुझे लेने आए होंगे। चलो चलो, हम भी देखते हैं। रुको श्री सिंह, वो तुम्हें लेने नहीं, तुम्हें मारने के लिए आदमी भेजे। मेरी गणना कभी गलत नहीं हो सकती, संकट की घड़ी अब आ चुकी है श्री सिंह। ये सब और देर ना करते हुए जंगल की तरफ बढ़ते रहो, 3 दिन चलने के बाद कोशी राज्य पहुंच जाओगे। उस जंगल में मैं कहां कहां भटकूंगा, संकट तुम्हारे राज्य पर है पुत्र। मेरी बात सुनो, जो बोला है वो करो। अगर तुम अपना राज्य और खुद को बचाना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ जाओ, तुम मेरा आशीर्वाद है। ठीक है ऋषिवर, प्रणाम, जा रहा हूँ। रुको श्री सिंह, ये लो माला, इस माला को अपने गले में पहन लो। जो आज्ञा ऋषिवर, किंतु क्या होगा इस माला से? राह में समस्त विपत्तियों से ये माला तुम्हारी रक्षा करेगी। हाँ? और ये लो, ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल राक्षसी है, रास्ते में आए हुए भूत को भी ये भगा देगा, इसे भी अपने साथ रखो। इस त्रिशूल से परास्त होंगे और अवलोकित होकर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें रास्ता चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिन समय आ गया है, तुम्हारी सालों की तपस्या अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि तुम संस्कारी हो। आपकी आज्ञा हो तो हम श्री सिंह के साथ जा सकते हैं? जी जरूर, जा सकते हो तुम। हम लोग भी जाएंगे ऋषिवर, हमें भी अनुमति दीजिए। किंतु सब इस प्रकार जाएंगे तो? ना मत करना ऋषिवर, हम चारों दोस्त एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं, आज इस संकट में उसे अकेला कैसे छोड़ें? ठीक है, तुम लोग भी जाओ, किंतु सुनो, जंगल के रास्ते निस्वार्थ भाव से जाओ, तुम लोग कोई लोभ नहीं कर सकते और रास्ते में किसी का इंतजार नहीं कर सकते, केवल आगे बढ़ता रहना होगा। आज्ञा दे ऋषिवर। प्रस्थान तुम्हारा मंगल होगा। श्री सिंह जंगल के रास्ते, चिकू, जमंत, चाणक्य, इन सब को लेकर आगे बढ़ रहा था। उन्होंने कुछ देर चलने के बाद उनके सामने अचानक। सुन रहे हैं? अजी सुन रहे हैं? ये कौन है? यहाँ देखिए, इस तरफ
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें लगता है चलते चलते आप थक गए हैं। पास में ही मेरा घर है, कुछ खा लीजिए, थोड़ा आराम करिए, फिर आप चले जाना। क्षमा करें, हम लोगों को भूख नहीं है। चलो चलो तुम आगे चलो। हमको तो भूख लगी है दोस्त, जाता हूँ मैं, कुछ खा कर आ जाता हूँ। किंतु ठीक है जाओ, किंतु देर मत करना, जल्दी आ जाना। आइए श्रीमान, ये यही मेरा घर है, अंदर आइए। जल्दी मुझे कुछ खाने को दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। हमको भी बहुत जोर की भूख लगी है। ये क्या कर रही है आप? हमको भी भूख लगी है। ना, 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 मुझे मत मारो। क्या हुआ, इतनी देर हो गई, चीकू क्यों नहीं आया अभी तक? हो सकता है खा पी कर आराम कर रहा हो। बच्चों, आप लोग कहाँ जा रहे हो? देखकर तो तुम लोग परेशान लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सामने ही मेरी झोपड़ी है, थोड़ा विश्राम कर लो। चलो, हम लोगों को विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहाँ आराम होगा, और वही इंतजार करते हैं चिकू का। तुम लोग जाओ, मैं तो उस बुढ़ी के साथ जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें मेरी, मैं उसे लेकर ही आऊंगा। ठीक है, तब चलो चाणक्य, हम लोग वहाँ बैठते हैं। हाँ यही ठीक है, हम लोग यही बैठते हैं, अभी बहुत रास्ता चलना है, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। क्या हुआ बूढ़ी काकी, कहाँ है तुम्हारा घर? हमको तो लौटना भी होगा, इतना दूर आ गए। तुम तो अब लौट भी नहीं पाओगे बच्चे, मैं बड़ा दैत्य हूँ, आओ मेरे पास आओ। चिकू और जामंत कोई भी तो लौट कर नहीं आया, चलो एक बार खोज करके आते हैं, उन लोगों को देखकर आते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, चलो चलते रहो। अच्छा, ऋषिवर बोले थे तुम्हारी माला से प्रकाश आएगा। हाँ याद आया, वो बोले तो थे, नहीं चलो तेजी से चलो, चलो 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 जल्दी चलो। हमें याद है ऋषिवर बोले थे तीसरे दिन कोशी राज्य जरूर आ जाएगा। देखते हो वो जो आदमी दिख रहा है, चलो उससे पूछते हैं। ए भैया, ए भैया। हाँ बोलिए। ये कोशी राज्य ही है ना? हाँ ये कोशीपुर ही है, आप लोग कौन हैं? हम बहुत दूर से आए हैं, हम कोशीपुर के महाराज से जल्द मिलना चाहते हैं। क्यों, क्या काम है तुम्हारा उनके पास? कुछ भी नहीं, ऋषिवर के कहने पर हम इस गांव में आए हैं, सोचे जब आए हैं तो एक बार महाराज जी से मिलना चाहिए, इतनी सी बात है। अरे बाबा, क्या हुआ? क्या बताऊं अभी आपको, आज 3 महीने से राज दरबार का दरवाजा बंद है, दरबार में कोई प्रवेश भी नहीं कर पाया, ना अंदर से कोई बाहर, ना बाहर से कोई अंदर आया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है दरबार में, महाराज बचे भी है कि नहीं, बोला नहीं जा सकता। आश्चर्य घटना है, तो चले चाणक्य, हम लोग अंदर जाकर देखते हैं। मतलब आप लोग दूसरे रास्ते से महल में प्रवेश करोगे? हाँ, हमें पता करना होगा कि अंदर क्या हुआ है, लगता है ऋषिवर ने दिया हुआ त्रिशूल अब काम आएगा। चलो चिकू। आ, आ, आ,
कोई दिख क्यों नहीं रहा? सिंहासन पर कोई नहीं? महाराज कहाँ गए? सब हमारे पेट में है। अब तुम लोगों की बारी है। तुम्हारी यह हिम्मत? एक कदम भी आगे बढ़ो तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। क्या बक रहे हो? आश्चर्य है। जय महाराज सिंह की जय। जय महाराज सिंह की जय। अब बोलो तो महाराज, नगरवासी श्री सिंह को अपना राजा क्यों मान लिए? बोलो महाराज, नगरवासी ये सटीक सिद्धांत क्यों लिए? वेताल, श्री सिंह बिना स्वार्थ का लोगों को बचाने का सिद्धांत लेकर उसने राज्य की रक्षा की। ऐसे परोपकारी राजा के अधीन में ही प्रजा सुख शांति में रह सकती है, इसीलिए उसे राजा मान लिया होगा। ये सोचकर कोशीपुर की प्रजा ये सिद्धांत ली होगी। यही सिद्धांत नगरवासियों के लिए भी सही है। ओ महाराज, आपने सटीक उत्तर दिया है महाराज, इसलिए अब मैं चलता हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ महाराज, मैं जा रहा हूँ। दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तीन छः। बुआ जी, मटकी में क्या लेके जा रही हैं? चारों तरफ नजर फेरने से अच्छा है तो किताबों पे ध्यान दे, समझा? देखता हूँ बुआ क्या लेके जा रही है। अरे, ये मटकी में सफेद सफेद क्या है? लग रहा है दही है। एक मटका दही। अरे, कुंडी लगा दी। कुंडी कैसे खोलूंगा? मेरा तो हाथ नहीं पहुंचेगा। नहीं, जाता हूँ भैया को बुला के लाता। अरे क्या बात है, एक मटका दही? अरे चलो चलो, अभी चलो। कहाँ है? कहाँ है मटका? पलंग के नीचे। आ भागो। ओ, आ जल गया, मर गया। अरे भुक्कड़, दही है या चूना? देख के खाना चाहिए ना भुक्कड़ कहीं का। दही समझ के चूना खा लिए हो, अब झेलो। इस घटने के एक महीने बाद एक दिन सुबह सुबह। हाँ, लग रहा है माँ नारियल के लड्डू बना रही है, और मैं वहीं से चार पांच लड्डू ले लूंगा। भाभी, इन लड्डुओं को संभाल के रखिएगा, हरी का नजर पड़ेगा ना, तो समझ रही है ना क्या होगा? ठीक है, वो भी बोलने की बात है। आप जितना भी छुपा कर रखो माँ, मैंने देख लिया है। उसी दिन दोपहर के समय में हरी के माँ की आंख लग गई, और हरी चोरी छिपे गया लड्डू के खोज में।
लेकिन अचानक ही हरी, ए हरी, ए हरी बदमाश, कहाँ है तू, कहाँ है? अब क्या होगा, माँ तो जग गई है। हरी, ए हरी, क्या हुआ है माँ? इतने देर से कहाँ था तू? ओ, थोड़ा पानी पी रहा था। सिर्फ पानी पी रहा था कि कुछ छुप के खा रहा था? भाभी, सर्वनाश हो गया है। क्या हुआ है? चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं लड्डू बनाई थी ना, उसमें चूहे मरने की दवा डाल दी थी। चूहा लोग खाएंगे तो मर ही जाएंगे एक ही बार। यदि माँ, जहर मिला हुआ लड्डू कोई अगर खाता है तो क्या होता है? एक दो खाने से चक्कर आएंगे और हाथ पैर कांपेंगे और उल्टी उल्टी लगेगा। और कोई 10-12 लड्डू खाए तो? सर्वनाश, तू खाया है क्या? तो फिर मेरा क्या होगा माँ? मैं शायद नहीं बचूंगा। ननन जी, जल्दी से जाके रमेश डॉक्टर को बुला के लाओ। और जब डॉक्टर आया और कुछ दिन बाद जब ठीक हो गया हरी, तो उसके आचरण में बदलाव आया और वह पहले जैसे भुक्कड़ नहीं रहा।